दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार, पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार। मुबारक हो आपको दिवाली का त्यौहार। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले बिहारी न्यूज की टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शिक्षा विभाग ने कुल सचिवों को दी हिदायत, परीक्षा परिणाम 30 दिन में करे घोषित। परीक्षा परिणाम में देरी से होती है छात्र छात्राओं की परेशानी। छात्र छात्राओं को जल्द मिलेगी पोशाक राशि, खाते को आधार से लिंक कराना अनिवार्य, 75% उपस्थिति वाले को ही मिलेगी राशि। मतदाता सूची में सुधार करने की प्रक्रिया शुरू, 28 नवंबर तक करवा सकते हैं सुधार, समस्या आने पर 1950 पर करें संपर्क। देश भर में आज दिवाली की धूम, भगवान राम के अयोध्या वापसी का उत्सव। शाम 6:25 से 8:15 तक लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त। बिहार की नई फिल्म प्रोत्साहन नीति, क्षेत्रीय भाषाओं को मिलेगा प्रोत्साहन, फिल्म निर्माताओं को मिलेगा अनुदान। छठ पूजा पर शारदा सिन्हा का ऑडियो गीत, अंशुमान ने अपलोड किया छठ गीत, शारदा सिन्हा की हालत अब भी स्थिर। आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग की जारी, जसप्रीत बुमराह से छीना नंबर 1 बॉलर का ताज, कोहली और पंत टॉप 10 की लिस्ट से हुए बाहर। अब चलिए बढ़ते हैं 25 खबरों की ओर विस्तार से। आज देश भर में दीपावली की धूम है। दीपावली, जिसे दीपोत्सव भी कहा जाता है, 31 अक्टूबर यानी आज कार्तिक मास की अमावस्या पर मनाया जा रहा है। यह त्यौहार भगवान राम के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, घरों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप जलाते हैं। ऐसे में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से रात 8:11 तक रहेगा। लग्न शाम 6:25 से रात 8:15 तक रहेगा। पूजा का एक और शुभ मुहूर्त महानिशित काल में 31 अक्टूबर की ही रात 11:39 से 12:30 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्त में सभी पूजा कर सकते हैं। यंत्र इंडिया लिमिटेड द्वारा अप्रेंटिस के लिए रिक्ति निकाली गई है। यह रिक्ति ITI और non-ITI दोनों ही उम्मीदवारों के लिए है। इस रिक्ति के तहत 3,883 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.apprenticeindia.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र में ITI डिप्लोमा होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसे आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और बदलाव करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 28 नवंबर तक चलेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने, कोई जानकारी सुधार करवाने या जो लोग राज्य के बाहर चले गए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से हटवा सकते हैं। इस कार्य के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए मतदाता वोटर सर्विस पोर्टल या वोटर ऐप का उपयोग कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 1950 या 1800345190 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक पाने वाले छात्रों के पढ़ने और लिखने के तरीकों को अपनाया जाएगा, जिससे कमजोर छात्र भी सीख सकेंगे। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ स्कूलों में लागू होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि छात्रों को रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए क्षेत्र के आसपास उदाहरणों का उपयोग किया जाएगा और खेल योग को भी शामिल किया जाएगा। अच्छे प्रदर्शन करने वाले छात्रों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और स्कूलों की ग्रेडिंग की जाएगी। प्रोत्साहन के तौर पर विशेष सम्मान दिया जाएगा और छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
देश में मॉनसून की विदाई के साथ बिहार में नदियों के सूखने का सिलसिला तेज हो गया है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 3 प्रमुख नदियां पूरी तरह सूख चुकी हैं और 11 नदियों में मापने योग्य पानी भी नहीं बचा है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रोहतास जिले की अवसाने नदी में 1 अक्टूबर को 102 मीटर पानी था। इस नदी में आज मापने योग्य पानी नहीं है। जुलाई में काव नदी में 103.38 मीटर पानी था, आज नदी सूख चुकी है। नवादा में सकरी नदी में 80 मीटर पानी था, आज वहां से भी पानी गायब है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि ऐसा ही रहा तो कुछ ही दिनों में बड़ी संख्या में नदियां सूख जाएंगी। शिक्षा विभाग ने सभी कुल सचिवों को हिदायत दी है कि स्नातक और स्नातकोत्तर संकाय की किसी भी परीक्षा के परिणाम को 30 दिनों के भीतर घोषित किया जाना चाहिए। विभाग का कहना है कि परीक्षा फल में देरी होने से विद्यार्थियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा से लेकर परिणाम की घोषणा तक की अवधि तय कर दी गई है। वर्ष 2025 तक के स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक संकाय की परीक्षाओं का पूरा ब्यौरा भी उपलब्ध कराया गया है। खासकर स्नातकोत्तर के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा 15 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच होनी है। श्रम संसाधन विभाग ने सभी जिलों के श्रम अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक लिया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से मान्यता प्राप्त संस्थानों में पंजीयन शुल्क के लिए छात्रों से कोई राशि नहीं ली जाएगी। वहीं स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से मान्यता प्राप्त सरकारी ITI में सामान्य श्रेणी के छात्रों से 100 रुपये, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों से केवल 50 रुपये, इसके अलावा सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए प्रति माह प्रशिक्षण शुल्क 40 रुपये और SC/ST के छात्रों के लिए 20 रुपये निर्धारित किया गया है। इससे अधिक शुल्क लेने पर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को अगले माह साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति संबंधी योजनाओं की राशि प्रदान की जाएगी। यह लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है। पोशाक के लिए कक्षा 1-2 के लिए 600 रुपये, कक्षा 3-5 के लिए 700 रुपये, कक्षा 6-8 के लिए 1000 रुपये और कक्षा 9-12 के लिए 1500 रुपये। छात्रवृत्ति की राशि कक्षा 1-4 के लिए 400 रुपये, कक्षा 5-6 के लिए 1200 रुपये और कक्षा 7-10 के लिए 1800 रुपये होगी। यह योजना केवल बिहार के निवासियों के लिए है जो सरकारी स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ाई कर रहे हैं। पोशाक की राशि केवल 75% हाजिरी वाले छात्रों को ही मिलेगी। बिहार ने अपनी नई फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत सिनेमा के लिए सकारात्मक माहौल बनाने की उम्मीद जताई है। इस नीति में भोजपुरी, मगही और मैथिली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ अन्य राज्यों के स्थानीय भाषाओं जैसे बंगला, उड़िया, संथाली और असमिया भाषाओं में फिल्में बनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के लिए 2-4 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा जो पूरे देश में सबसे अधिक है। इसके अलावा एक फिल्म फैसिलिटेशन सेल का गठन किया गया है जिससे फिल्म निर्माण और अनुदान प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। इस नीति का उद्देश्य राज्य में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है। पद्म भूषण से सम्मानित बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत खराब है और वे दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। छठ पूजा के अवसर पर उनके बेटे अंशुमान ने अस्पताल से उनके द्वारा गाया गया छठ गीत ऑडियो के रूप में रिलीज किया है। गीत का बोल दुखवा मिटाई छठी मैया रोए असरा हमार है जो शारदा सिन्हा की स्थिति को बयां करती है। शारदा सिन्हा हर साल छठ पर वीडियो सॉन्ग जारी करती थी लेकिन इस बार उनकी बीमारी के कारण वीडियो नहीं बन सका। शारदा सिन्हा के गीत छठ पूजा का अहम हिस्सा माने जाते हैं। दिल्ली एम्स में भर्ती शारदा सिन्हा की हालत अब भी स्थिर बनी हुई है और उनके लिए दुआओं का दौर जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सड़क सुरक्षा और निर्बाध यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 38 राजमार्ग गश्ती वाहनों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी भी अधिकारियों से ली। इन गश्ती वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के डायल 112 से जोड़ा गया है ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा जा सके। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के अलावे कई मान्य लोग मौजूद रहे। दीपावली के अवसर पर कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी नाराज ना हो। ऐसे में इस दिन तेल, घी और नमक का दान अशुभ माना जाता है। चीनी देना भी टाला जाना चाहिए क्योंकि इसका संबंध माता लक्ष्मी से है। लोहे की चीज़ें, काली चीज़ें और
और नुकीली वस्तुएं भी नकारात्मकता लाती हैं, इसलिए उनका दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दूध, दही और हल्दी का दान शाम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समृद्धि को कम कर सकता है। दीपावली के दिन शाम में घर की सफाई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बरकत चली जाती है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे जुब्बा सैनी पार्क की। यह पार्क बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है। इस पार्क को स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सैनी के सम्मान में बनाया गया था। यह पार्क मुजफ्फरपुर के बीचों बीच स्थित है, जहां कई सुंदर फूल और एक से एक पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। यहां एक फाउंटेन भी है, जो रात के समय में कई सजावटी लाइट्स के साथ देखने में बड़ा ही प्रिय लगता है। इसके अलावा यहां बच्चों के लिए कई झूले और मानव निर्मित एक पहाड़ भी है। यदि आपको कभी मौका मिलता है तो आप इस पार्क में भ्रमण के लिए जा सकते हैं। दिवाली के समय तक बारिश की संभावना जताई जा रही थी, हालांकि अब यह संभावना टल चुकी है, लेकिन आज से ठंड बढ़ने की संभावना है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल सकता है। बिहार के रक्सौल में सामरिक दृष्टिकोण से एक नए एयरपोर्ट का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। अंचल कार्यालय ने स्थल निरीक्षण और भूमि की पैमाइश के बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी ला दी है। करीब 300 एकड़ में बनने वाले इस एयरपोर्ट के लिए लाल झंडा लगा दिया गया है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले माह इसका शिलान्यास करने वाले हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों में एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने भूमि का चयन किया था। इसके बाद राज्य और केंद्र सरकार ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें 127 एकड़ भूमि अधिग्रहण का निर्देश दिया गया था। और अब खबर यह है कि जल्द ही एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होने वाला है। UPI लाइट यूजर्स के लिए 1 नवंबर 2024 से 2 महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। पहली बात, अब यूजर्स एक बार में 1,000 रुपये तक का भुगतान कर सकेंगे, जबकि वॉलेट बैलेंस 5,000 रुपये तक हो जाएगा। दूसरी बात, नया ऑटो टॉप अप फीचर लागू होगा, जिससे यदि वॉलेट बैलेंस एक निर्धारित सीमा से नीचे चला जाता है तो यह अपने आप बैंक खाते से रिचार्ज हो जाएगा। इस सुविधा से मैनुअल रिचार्ज की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। NPCI ने इसे 31 अक्टूबर 2024 तक सक्षम करने का निर्देश दिया है, ताकि यूजर्स 1 नवंबर से इसका लाभ उठा सकें। UPI लाइट अभी तक बिना पिन के छोटे लेन देन की सुविधा देता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार के 4 सीटों के उपचुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में नजर आएंगे। उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार में जाने से पहले उन्होंने कायरोप्रैक्टिक का इलाज करवाया है। पटना के डॉक्टर रजनीश कांत ने उनकी हड्डियों का अलाइनमेंट किया है, जिससे उन्हें दर्द से राहत मिली है। लालू प्रसाद यादव ने बताया कि उन्हें ज्वाइंट्स में लगातार दर्द रहता है। हाल ही में उन्होंने सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराया था। इसके बाद से उनकी स्वास्थ्य स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन अब वो चुनावी प्रचार में सक्रिय रहना चाहते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सत्र 2024-26 के लिए गैर सरकारी DLED संस्थानों में स्पॉट नामांकन का एक और मौका प्रदान किया है। इच्छुक विद्यार्थी 6 से 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 5 नवंबर को रिक्त सीटों का विवरण बिहार बोर्ड के पोर्टल पर उपलब्ध होगा। 13 नवंबर को औपबंधिक मेधा सूची जारी होगी और 14 से 15 नवंबर को उम्मीदवार अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। 16 नवंबर को आपत्तियों का समाधान किया जाएगा। अंतिम मेधा सूची 18 नवंबर को प्रकाशित होगी और चयनित उम्मीदवारों का नामांकन 18 से 20 नवंबर को होगा। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों का नामांकन 21 से 22 नवंबर को किया जाएगा। बकाया शुल्क जमा न करने वाले छात्रों को 2 नवंबर तक राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में 243 विधायकों को मार्च 2025 तक आवास मिल जाएगा। बता दें कि इनमें से 143 विधायकों को सिर्फ 8 महीने के लिए आवास मिलेगा। फिलहाल 100 विधायकों को आवास आवंटित किया गया है, जबकि बाकी विधायकों के आवास का निर्माण अभी बाकी है। बता दें कि सभी विधान परिषद के सदस्यों को आवास आवंटित कर दिए गए हैं। बता दें कि विधायकों के आवास निर्माण में लगभग 8 साल का वक्त लग गया है। 2017 में MLA फ्लैट का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन निर्माण में देरी की वजह से ठेकेदार पर कार्रवाई भी की गई है और उसे ब्लैक लिस्टेड किया गया है। इसके बाद दूसरी एजेंसी को टेंडर दिया गया है, जिसके बाद 2022 में विधायकों के आवास का नया निर्माण कार्य शुरू हुआ है। अब 2025 तक विधायकों को आवास मिलने की उम्मीद है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को मंत्री लेसी सिंह के आवास पर जाकर उनका हालचाल जाना। इससे पहले भी उन्होंने फोन के माध्यम से उनका हालचाल जाना था। बता दें कि मंत्री लेसी सिंह हाल ही में पूर्णिया में एक हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें उनके हाथ में फ्रैक्चर आया था। लेसी सिंह अब पटना लौट आई हैं और अपने घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। लेसी सिंह ने भी सोशल मीडिया पर अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी है कि वे अब स्वस्थ हैं। बता दें कि लेसी सिंह बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1960 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आज के ही दिन वर्ष 1966 में भारत के मशहूर तैराक मिहिर सेन ने पनामा नहर को तैर कर पार किया था। आज ही के दिन वर्ष 1984 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान ले ली गई थी। आज ही के दिन वर्ष 2003 में हैदराबाद में आयोजित अफ्रो एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। आज के दिन वर्ष 2008 में देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को गुप्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाने संबंधी विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट 1 नवंबर से शुरू होगा। कीवी टीम ने पहले 2 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कगिसो रबाडा ने जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में 9 विकेट लेने के बाद रबाडा शीर्ष पर पहुंचे। बुमराह एक मैच में बिना विकेट लिए तीसरे स्थान पर चले गए। रविचंद्रन अश्विन न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट लेने के बावजूद चौथे स्थान पर आ गए हैं। विराट कोहली और ऋषभ पंत टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। कोहली 14वें और पंत 11वें नंबर पर हैं। अयोध्या में इस बार की दिवाली खास है, क्योंकि यह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार मनाया जा रहा है। नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। लंका विजय के बाद प्रभु राम, मां सीता और लक्ष्मण हेलीकॉप्टर से सरयू तट पर पहुंचेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। वहीं राम की पैड़ी पर 28 लाख दीप जलाए जाएंगे, जो इस अवसर की भव्यता को और बढ़ाएंगे। पूरी अयोध्या नगरी इस दिवाली जगमगा उठेगी और भक्तों का उत्साह 4 गुना बढ़ जाएगा। BSNL ने 249 रुपये का एक रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है, जिसमें आपको मिलती है 45 दिनों की वैलिडिटी। यह प्लान उन यूज़र्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो लगातार रिचार्ज नहीं करना चाहते। इस प्लान के अंतर्गत यूज़र्स को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ साथ रोजाना 100 SMS की सुविधा भी मिलेगी। सबसे खास बात, इस प्लान में 90 GB डेटा भी शामिल है, जो कि रोजाना 2 GB की स्पीड से उपलब्ध है। अगर आप अपने नंबर को एक्टिव रखने के साथ साथ किफ़ायती रिचार्ज की तलाश में है तो BSNL का यह 249 रुपए वाला प्लान आपके लिए एकदम सही है। इन दिनों कस्टम डिपार्टमेंट के नाम पर कई लोगों को कॉल जा रहा है या कॉल व्यक्तिगत बैंक खातों में कस्टम ड्यूटी का भुगतान करने के नाम पर किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह के कॉल या SMS पूरी तरह से फर्जी हैं। यह आपसे ठगी करने का एक तरीका है। भारतीय कस्टम विभाग कभी इन चीज़ों के लिए कॉल या मैसेज नहीं करता है। PIV फैक्ट चेक ने भी इस खबर को पोस्ट करते हुए फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आते हैं। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5ों सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। आज का पहला सवाल है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी मजहरुल हक ने, ऑप्शन सी ब्रज किशोर प्रसाद ने, ऑप्शन डी फखरुद्दीन ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मजहरुल हक ने। आज का दूसरा सवाल है, पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राजेश्वर प्रसाद, ऑप्शन बी फणीन्द्र नाथ घोष, ऑप्शन सी मनिन्द्र नारायण राय, ऑप्शन डी कृष्ण वल्लभ सहाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मनिन्द्र नारायण राय। आज का तीसरा सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? ऑप्शन ए परशुराम दल, ऑप्शन बी महेंद्र गोपाल दल, ऑप्शन सी सियाराम दल या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आज का चौथा सवाल है, बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को NCP अजीत गुट ने कहाँ से विधानसभा चुनाव टिकट दिया है? ऑप्शन ए बांद्रा ईस्ट, ऑप्शन बी इस्लामपुर, ऑप्शन सी तासगांव सही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बांद्रा ईस्ट।
आज का आखिरी और पांचवा सवाल है, ईरान में जेल में बंद नोबेल शांति विजेता का नाम बताएं जिनकी सजा बढ़ी है। ऑप्शन ए शिरीन आबादी, ऑप्शन बी नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नरगिस मोहम्मदी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है छोटू राजा, राहुल शर्मा, राम नमी झा, रवि कुमार राम, राजीव कुमार, अनवर करीम खान, मुन्ना प्रसाद, कृष्ण प्रसाद, अंशु कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, जितेंद्र ठाकुर, रानी वर्षा, बिरजू कुमार, पवन सिंह, अतीक खान, अभिमन्यु, मोहम्मद शाकिर हुसैन, मोहम्मद असलम, विवेक मिश्रा, अमित कुमार न्यूटन, मुकेश कुमार यादव, प्रमिला कुमारी, मोतीलाल कुमार, रामबाबू दास, राम सागर पासवान। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज आप दिवाली कैसे मना रहे हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।